अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 जो कि हमारा कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स, और हम लोग उसमें इसके एमसीक्यूज जो है वो ट्राई करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले कूलम लॉ से रिलेटेड हमारे पास चैप्टर 1 के अंदर एक न्यूमेरिकल मौजूद है जो कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, और इसमें आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब जो कूलम फोर्स आप पढ़ चुके हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब हुआ कि एफ इजिकल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस को आपने कंपेयर करना है, यानी कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो ग्रेटर है और कौन सी लेसर है, और वो अगर एक फोर्स ग्रेटर है तो वो कितने टाइम उससे ग्रेटर है। इसके लिए उसने आपको डाटा में क्या चीज़ दी है, उसने बोला है कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एम, जो आपको गिवन है मैस जो गिवन है वो 10 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास चूंकि फार्मूले के अंदर दो मैसेज होते हैं तो यहाँ पे चूंकि एक ही मैस गिवन है, इसका मतलब दोनों मैसेज क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। तो मैस 1 और मैस 2 दोनों इक्वल है, और दोनों किसके बराबर दिए हमें 10 ग्राम के। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो वैसे ऐसा यूनिट मैस का किलोग्राम है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 10 ग्राम को आप किस पे डिवाइड कर देंगे, 1000 पे। और जब आप इसको 1000 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। साथ ही आपको चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है, 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, एक ही चार्ज की वैल्यू है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भी दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू सिंपल Q, और दोनों की वैल्यू क्या है, 20 माइक्रो। माइक्रो की वैल्यू 10^-6 होती है। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे से, वो दिया हुआ है मैं डिस्टेंस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और अगर सेंटी को ख़त्म करके आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको किस पर डिवाइड कर देंगे, 100 पे। जब आप 100 पे डिवाइड करोगे 10 को तो ये आ जाएगा 0.1 और मीटर में आ जाएगा। अब आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल पे, यानी कि एफ ई को आपने डिवाइड करना है किस पे, एफ जी पे। तो एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, एफ ई का फार्मूला क्या होता है, तो एफ ई का फार्मूला आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कूलम्स लॉ, वो ये होता है। और एफ जी का क्या होता है, कैपिटल जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसमें से ये जो आर स्क्वायर वाला फैक्टर है ये तो कट जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय जी कैपिटल जी एम वन एम टू। अब चूंकि क्यू वन और क्यू टू दोनों इक्वल थे, सिंपल क्यू थे वो ऊपर लिखा है, तो आप इसकी जगह पे दोनों की जगह पे हटा के सिंपल क्यू स्क्वायर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसी तरह एम वन और एम टू सिंपल क्या है, दोनों एम के बराबर ही है, तो एम इंटू एम एम स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, के की वैल्यू 9×10^9 होती है, और आगे आप क्यू की वैल्यू पुट कर दें। इसी तरह नीचे कैपिटल जी की वैल्यू 6.67×10^-11, और एम की वैल्यू पुट करें उसका स्क्वायर में, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा 5.4×10^14। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। देखें, हमारे पास आंसर आया है 5.4 × 10^14। अगर मैं इधर आके मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 5.4×10^14 टाइम ग्रेटर है। दोबारा सुन लें, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है 5.4×10^14 टाइम क्या है, ग्रेटर है। ठीक है जी,
तो ये हमारा रिजल्ट है जो कि एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकता है। ओके, न्यूमेरिकल नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है जी, डायग्राम है इसके अंदर, इस डायग्राम से ही आपने बहुत कुछ चीजें लिखनी है। सबसे पहले इसमें आपको अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको तीन चार्ज नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पे मौजूद है चार्ज Q1, और ये Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁶। और ये जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे एक चार्ज आपको नजर आएगा, ये यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, और ये जो चार्ज है वो कितना है, क्यू, उसके साथ 1 या 2 नहीं लिखा हुआ, सिंपल प्लस क्यू का एक चार्ज है, और वो है 4 माइक्रो कूलम, यानी 4 × 10⁻⁶। और एक और चार्ज है जो कि यहाँ पे पड़ा है Q2, और उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, −1 माइक्रो कूलम। तो −1 × 10⁻⁶, यानी कि ये यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है जी, दोबारा देख लें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है जी, अब अगर हम डिस्टेंस को देखें तो प्लस क्यू और क्यू वन, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1 मीटर, और इधर यहां से प्लस क्यू और क्यू टू का भी डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, यानी कि डिस्टेंस यहां से दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है। और यहाँ पे जो ये दो ट्राइंगल बनाएगा और उसमें जो ये परपेंडिकुलर है वो कितना है, 0.80, और जो बीच में बेस बनेगी ये 0.60 मीटर उसका डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास ये जो दिया हुआ है 0.80, ये परपेंडिकुलर है, और ये 0.60 जो है ये हमारे पास क्या बन गई है, हमारे पास बेस की वैल्यू है। दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें तो दोनों में सेम ऐसे ही है। अच्छा, अब हम सबसे पहले अगर डाटा को देखें तो हमें Q1 दिया हुआ था 1 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को खत्म करके लिखें, Q2 वो लिखा हुआ है −1 माइक्रो कूलम, तो −1 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। इसी तरह सिंपल क्यू जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 4 माइक्रो कूलम, तो 4 × 10⁻⁶, आपने टोटल फोर्स ऑन क्यू निकालनी है। ठीक है, इस क्यू चार्ज पे जो टोटल फोर्स है वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, फोर्स फाइंड करने के लिए, टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो चेंज क्या है वो जरा देखें। आपने फर्स्ट ईयर में सीखा कि आपने फोर्स के कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फोर्स के कंपोनेंट बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखें जी, ये चार्ज पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो चार्ज पड़ा है वो भी क्या है, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव चार्जेस हो, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे F1। ठीक है जी, एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लस Q1 से इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब दूसरा जो देखें, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस का Q2 चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। जो सेकंड फोर्स हमारे पास होगी वो किस तरफ होगी, वो पॉजिटिव क्यू चार्ज से नेगेटिव माइनस Q2 चार्ज की तरफ होगी। तो
हुई है हमारे पास दोनों फोर्स का आ गई। अब अगर हम इनके कंपोनेंट बनाते हैं तो सबसे पहले अगर एफ बॉन्ड के कंपोनेंट बनाए तो सबसे पहले ये लाइन साथ कंप्लीट करने यहाँ तक चले ठीक है। अब एफ बॉन्ड इस लाइन के साथ थीटा अगर एंगल बना रहा है इस लाइन पे एफ बॉन्ड का कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, एफ बॉन्ड का एक्स कंपोनेंट और इस लाइन पे बन जाएगा एफ वन का वाई कंपोनेंट ठीक हो गया। अच्छा अब एफ टू के बनाते हैं तो एफ टू के कंपोनेंट कैसे बनेंगे, अगर एफ टू इस लाइन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है तो फिर इस लाइन पे आ जाएगा एफ टू का कौन सा कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, क्यों जिस लाइन के साथ थीटा होता है वो होता है एक्स कंपोनेंट और ये नीचे की तरफ यहाँ पे इसका आ जाएगा एफ टू का कौन सा कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ठीक है जी। तो ये डायग्राम आप लाजमी पहले ट्राई करें अपने पास बनाएं इसी तरह कंपोनेंट उसके बना के पहले देखें ठीक है। यहाँ पे ये एफ टू है ओके। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें चले डायग्राम मैं रेज कर देता हूं चले। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लोग फाइंड करेंगे एंगल थीटा, उसके लिए हम यूज करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने आपको कहा था कि वो कौन है 0.80 ठीक है और बेस कौन है 0.60। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे और टेन को अगर उधर ले आते हैं तो टेन इनवर्स 0.80 डिवाइडेड बाय 0.60 तो ये आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल आ गया जो कि यहाँ पे ये या ये वाला एंगल आ जाएगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय क्यू वन ऑन क्यू, यानी कि ये वाला चार्ज प्लस क्यू वन प्लस क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है जिसको हमने एफ वन कहा था। तो एफ वन अगर आपने निकालनी है तो के कूलम्ब कांस्टेंट, क्यू ये वाला चार्ज ठीक है ये प्लस क्यू और आगे दूसरा कौन सा लिखेंगे क्यू वन और डिवाइड कर देंगे किस पे डिस्टेंस पे, कौन सा डिस्टेंस ये वाला आर स्क्वायर और ये कितना है वन। तो ये देखें k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q प्लस q की वैल्यू इस चार्ज की वैल्यू और फिर इस चार्ज की वैल्यू, क्योंकि हम इन दोनों के दरमियान फोर्स फाइंड कर रहे हैं जिसको हमने f1 कहा ठीक है और नीचे r r इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है सिर्फ 1। तो जब आप ये निकालेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 × 10⁻³। इसी तरह अगर हम सेकेंड फोर्स निकालते हैं, चले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ ताकि आगे सेशन में वो आपको नज़र आएगी और मैंने फिर डायग्राम तो ऊपर चली जाएगी। तो देखें वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पे कि अगर आप देखें तो जो हमारे पास F1 का Y कंपोनेंट है ठीक है वो है पॉजिटिव Y एक्सिस पे और F2 का Y कंपोनेंट किधर है नेगेटिव वाले एक्सिस पे, जबकि जो एक्स कंपोनेंट है दोनों वो दोनों किधर हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है। अच्छा अब अगर हम लोग ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं ये एंगल कितना होगा तो देखें इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चल मैं सोचो थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब देखें अब हमने दूसरी फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज q2 ऑन q ठीक है यानी कि नेगेटिव चार्ज ने जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाई थी तो सेम ऐसे ही k q q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। अच्छा अब हमने निकालना है सबसे पहले q के रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें fx और fy ये दोनों चाहिए होंगी। सबसे पहले हम fx निकालते हैं, fx कैसे निकालेंगे, fx निकालने के लिए हमें दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट को ऐड करना होगा f1 का x प्लस f2 का x कंपोनेंट।
जब एस कंपोनेंट खत्म करते हैं तो आपको पता है क्या लगाते हैं हम, कॉस थीटा, और इसी तरह यहाँ पे भी लगाएंगे। अब वैल्यू पुट करें, एफ वन की वैल्यू वो लिखी हुई है, कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली 53 डिग्री वो लगा दी, इसी तरह एफ टू, और एफ टू के बाद आपने क्या लिखा कॉस, तो एफ टू की वैल्यू लगाई आगे कॉस, लेकिन थीटा देखें, थीटा हमने ये नहीं लिखा कि 53 डिग्री है, हमने क्या लिखा है 2 पाई माइनस 53 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने किसको देखना है, हमने देखना है एफ टू के कौन से कंपोनेंट को, एस कंपोनेंट को। तो देखें आपने ये देखना है बच्चों कि एफ टू का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, आपने जो यहाँ पे लिखना है ठीक है वो आपने ये वाला एंगल लिखना है ये, ठीक है। तो देखें ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना होता है 2π यानी कि 360 डिग्री होता है। तो उसमें से आपने क्या करना है, आपने ये माइनस करके लिखना है, ठीक है। ये देखें ये टोटल एंगल कितना है 2π, उसमें से आपने इसको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। अच्छा अब ये चीज आप देख लें, ठीक है। तो सेम इसी तरह आप नेक्स्ट में भी करेंगे। अब मैं इस एरो को यहां से रेज कर देता हूं, इसी तरह एफ वाई कैसे निकालेंगे, एफ वन का वाई प्लस एफ टू का वाई कंपोनेंट, एफ वन वाई, वाई खत्म करेंगे तो साइन थीटा, इधर भी वाई खत्म करेंगे तो साइन थीटा, एफ वन वाई, एफ वन की वैल्यू फिर साइन और एंगल क्या लगा देंगे 53 डिग्री। लेकिन जब हम एफ टू के साथ एफ टू का जब एंगल ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे 2π - 53 डिग्री, यानी कि आपने टोटल जो रेवोल्यूशन उसमें से आपने 53 को माइनस करके लिखना है तो वो आ जाएगा 0 न्यूटन। अब आपके पास एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0.043 न्यूटन, और एफ वाई की वैल्यू कितनी निकली है 0। तो अब आप रिजल्ट निकालें, फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा कि मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, एफ इजिकल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो एफ एक्स की वैल्यू लगाएं उसका स्क्वायर, प्लस एफ वाई की वैल्यू लगाएं उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट लें, और बस वही 0.043 आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स उस चीज़ का, उस फोर्स का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसी चीज़ का एक्स कंपोनेंट, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट हमारे पास कितना आया 0, एक्स कंपोनेंट कितना आया था 0.043, उन दोनों डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, वो 0 डिग्री बनाएगी। अगर आप खुद देखें तो यहाँ पे जो जो फोर्स आपको नज़र आ रही है ये रिजल्टेंट में, ठीक है, ये देखें यहाँ पे नज़र आ रही है आपको इस लाइन पे, ये आपको रिजल्टेंट को नज़र आ रही है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 0.043 न्यूटन, और ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही, ठीक है 0 डिग्री है, तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे ही है। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एंड पे आंसर देख लें क्या लिखा हुआ है 0.043, और आई कैप, आई कैप का मतलब कि ये एक्स एक्सिस के साथ। ओके इसी के साथ इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल देखें जी बच्चों, यहाँ पे भी आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है Q100 μC और एक दिया हुआ है Q2 वो भी 50 μC, और उसने कहा जी कि ये लोकेट किए गए हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, और इनकी पोजीशन वेक्टर्स R1 यानी कि Q1 का जो पोजीशन वेक्टर वो कितना है 3j का है, और जो हमारे पास Q2 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है 4i, और डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं मीटर्स में, तो आप एक फोर्स फाइंड कर रही हैं चार्ज Q2 पे, ठीक है। अगर आप डायग्राम को और करें, अब सबसे पहले आप डाटा देखें, ठीक है Q1 आपको कितना दिया हुआ है 100 μC, तो माइक्रो को खत्म करें। सेकंड चार्ज Q2 आपको दिया हुआ है 50 μC, तो माइक्रो को खत्म करें। पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर आपको क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 3j, तो उसको हम R1 कह देते हैं, और सेकंड पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ था 4j, तो उसको हम R2 बोल देंगे। अब आपने फोर्स निकालनी है किस पे, जो लगने वाली है 2 पे, कौन लगाएगा 1 लगाएगा, तो मैंने आपको
बिल्कुल स्टार्टिंग में कूलर लावन बताया था कि हम कैसे लिखते हैं, पहले ऑन लिखते हैं और फिर बाई लिखते हैं। ऑन मतलब कि जिस पे लग रही है, तो टू पे हमने देखनी है कि फोर्स कितनी लग रही है, और कौन लगाएगा, वन लगाएगा, तो एफ टू वन हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि कूलम लॉ का जो फार्मूला है, हमने फार्मूला पढ़ा एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बट ये उसकी मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो मैंने आपको उसी लेक्चर के अंदर समझाया था कि अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी फोर्स का क्या लिखेंगे साथ, उसका डायरेक्शनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखेंगे। और फिर ये भी आपको मैंने बताया था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर हो, अगर हमारे पास एक वेक्टर हो ए वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है आर, तो उसका यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया आर कैप, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक आर वेक्टर है, तो उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। तो ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम फोर्स का फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं, एफ टू वन वेक्टर फॉर्म के अंदर, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और आगे चूंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लगाओगे, उसका यूनिट वेक्टर। और एफ टू वन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर टू वन हैट। अब इस यूनिट वेक्टर को खत्म करना है, इस यूनिट वेक्टर को कैसे खत्म करोगे, तो इस यूनिट वेक्टर को खत्म इस तरह करोगे कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। अब मैग्नीट्यूड दिखाने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल इस तरह छोड़ दो, या फिर उसकी साइज पे हम लोग इस तरह बार लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसने क्या किया कि यहाँ पे आर टू वन हैड को खत्म किया, और आर टू वन हैड को जब खत्म किया तो क्या लिख दिया, आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर टू वन की मैग्नीट्यूड। अब हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक आर टू वन वेक्टर बनाना है, और एक हमने आर टू वन की फिर मैग्नीट्यूड बनानी है। सबसे पहले आर टू वन वेक्टर कैसे बनेगा, तो आर टू वन ये लिखा हुआ है, कैसे बनाया, आर टू वन का मतलब होता है कि आपने आर टू में से आर वन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपने आर टू में से आर वन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आर टू की वैल्यू में क्या गिवन थी, आर टू की हमें वैल्यू गिवन थी वो लिखी हुई है, ठीक है, फोर आई कैप। और आर वन की क्या वैल्यू गिवन थी, आर वन की हमें वैल्यू गिवन थी थ्री जे कैप। तो दोनों वैल्यू लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आर टू वन इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, और वो किसके बराबर निकलेगा, फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप, ओके। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आप इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं मैग्नीट्यूड का फार्मूला, जो आई कैप के साथ लिखा होता है उसका स्क्वायर हमेशा दरमियान में प्लस, और जो जे कैप के साथ लिखा होता है चाहे प्लस में लिखा है चाहे माइनस में वैल्यू लिखी है उसको स्क्वायर के अंदर ही लिखते हैं। तो फिर इसका स्क्वायर लेके हंड्रेड ले लें तो आपके पास निकलेगा फाइव। तो चलिए वैल्यू बुक करते हैं, सबसे पहले के की वैल्यू, ठीक है, फिर क्यू वन फिर क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और साथ क्या लिखना है हमने, आर टू वन वेक्टर वो हमने साथ लिख दिया फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप, और नीचे आर आर टू वन की मैग्नीट्यूड जो कि कितनी की है फाइव, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। अब आपने अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है इस फोर्स की, ठीक है, ये फोर्स आपके पास आ गई है, ठीक है, फोर्स क्या आ गई हमारे पास 1.44 आई कैप माइनस 1.08 जे कैप। तो उसकी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1.44, एफ वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 1.08 उसका स्क्वायर। याद रखें फार्मूले में दरमियान में प्लस ही होगा, तो अगर माइनस की वैल्यू भी है तो वो भी स्क्वायर के अंदर लिखी जाएगी। तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, फार्मूला आप कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर रिजल्टेंट का, ये फार्मूला आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू उसकी क्या है 1.44, एफ वाई की वैल्यू क्या है माइनस 1.08, तो पुट करें ये आंसर आ गया।
इसी तरह अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए फर्स्ट ईयर में फिर से आपने वही फार्मूला पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई, यानी कि जो हमारे पास क्या है माइनस 1.08 डिवाइड बाई एफ एक्स जो कि 1.44 है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 37 डिग्री विद एक्सेस। ये थे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अब हम करते हैं इसी के हम लोग कुछ एमसीक्यूज इसी टॉपिक के ट्राई करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज जो बोर्ड में आ चुके हैं। सबसे पहले एमसीक्यू अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, कूलम लॉ जो है उसकी लिमिटेशन आपसे पूछी है बेसिकली। उसकी दो लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी, एक कूलम लॉ अप्लाई होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे, दूसरा कूलम लॉ अप्लाई होता है अगर दो चार्जेस एट रेस्ट हो। ठीक है, अगर दो मूविंग चार्जेस हैं वहाँ पे कूलम लॉ अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये भी बात साथ याद रखें कि अगर एक चार्ज एट रेस्ट है और एक मूव कर रहा है तो तब भी कूलम लॉ अप्लाई हो जाता है। यानी कि एक कंडीशन है जिसमें कूलम लॉ अप्लाई नहीं होगा, जिसमें दोनों चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं, दोनों एड्रेस या दोनों में से एक अगर मूव कर रहा है और एक एड्रेस है तो तब भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी पॉइंट चार्जेस। एमसीक्यू नंबर टू देखें, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कहते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डबल, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस क्या कर देते हैं डबल, द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लिखता हूँ, देखें फोर्स का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स और स्क्वायर पावर के साथ है। अब उसने डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल, टू आर कर दिया। ठीक है, फर्दर इसको ओपन करें क्या बनेगा, वन ओवर टू का स्क्वायर फोर और आर का भी स्क्वायर। तो देखें ये वाला फैक्टर तो वही पहले वाला ही है, किस फैक्टर का इजाफा हो गया, यहाँ पे आप सामान लिखे डिवाइड में लिखें तो किस फैक्टर का इजाफा हो गया, वन ओवर फोर का। इसका मतलब कि फोर्थ क्या हो जाएगी, वो वन फोर्थ हो जाएगी, क्या हो जाएगी वन फोर्थ हो जाएगी। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट उसने पूछा है के द कॉन्स्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन, के किस पर डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा जिसमें दोनों ऑप्शन उसने कहे हैं। फोर्थ एमसीक्यू, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कूलम लॉ कॉन्स्टेंट के का यूनिट और वैल्यू पूछी है तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी किससे शो करते हैं, ई आर के साथ। रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर था जी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो सेम चीज की रेशियो है, क्वांटिटीज दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो यूनिट आप लिखोगे वही नीचे यूनिट आएगा, तो यूनिट आपस में कट देंगे तो ई आर का कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेवंथ एमसीक्यू देखें, प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, कि जब आप मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर ला के रखते हैं दो चार्जेस के दरमियान तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, क्या वो इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता या डबल हो जाती है। तो इसका आंसर समझा चुका हूँ पहले भी, दोबारा देखें कि अगर दो चार्जेस के दरमियान क्या मौजूद हो फ्री स्पेस, तो ये फार्मूला होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका फार्मूला क्या होता है, ई एम डिवाइडेड बाय
ई नॉट, यहाँ से ई एम क्या आता है ई नॉट और साथ क्या आ जाएगा ई आर, ठीक। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब दो चार्ज के दरमियान क्या मौजूद हो, फ्री स्पेस, और अगर मीडियम हो, कोई मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक हो तो फार्मूला क्या लिखा जाता है, बताया था आपको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ई एम आ जाएगा, ठीक है जी। दोबारा सुनते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है, बार बार पूछेगा, स्टेटमेंट चेंज होती रहेंगी। अगर दो चार्ज के दरमियान फ्री स्पेस हो तो ये फार्मूला है लॉ का, अगर दो चार्ज के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक है तो ये फार्मूला बन जाता है। अब इसमें हम छोटा सा चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज ये है कि जहाँ पे ई एम लिखा है वहाँ पे ई एम का फार्मूला, ई एम का क्या फार्मूला है, ई एम इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ई आर, वो पुट कर सकते हैं। चलें ई एम को हटाते हैं और ई एम को हटा के वहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, ई नॉट इंटू ई आर वहाँ से। अब आप खुद देखें कि अगर फ्री स्पेस हो, अगर फ्री स्पेस हो तो यहाँ पे एक ही चीज़ होती है ई नॉट, लेकिन अगर मीडियम हो तो यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, एक होता है ई नॉट भी और उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है ई आर, तो यहाँ पे ये टर्म दो मल्टीप्लाई हुई तो नीचे वाले डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू वो क्या करेगी, पहले से बढ़ जाएगी, और अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में नज़र आ रहा है। तो जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक लाते हैं दो चार्ज के दरमियान तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, फोर्स हमेशा कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट वैल्यू जो है फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज, आपने अपने चैप्टर में बुक में